Good afternoon class, let's continue with the preparation of paste. So paste is prepared by using two methods. First is the incorporation method, it is also called as trituration method, and second is the fusion method. Okay, so these two methods are used for the preparation of paste. The incorporation method or trituration method, we generally use paste that are liquid or semi-solid in nature. ठीक है एंड इट इज यूज फॉर इनसॉल्युबल ड्रग दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्प्रेस स्प्रेड इनटू द और डिस्पर्स्ड इनटू द बेस. ठीक है, तो जो टू मेथड्स हैं पेस्ट को बनाने के लिए, पहला है इनकॉर्पोरेशन मेथड एंड सेकंड इज द फ्यूजन मेथड. इनकॉर्पोरेशन मेथड को ट्रैचुरेशन मेथड भी बोलते हैं. बेटा सबको मेरी आवाज आ रही है ना? जी मैम. ओके, सो इन इनकॉर्पोरेशन मेथड और इन टैचुरेशन मेथड में मेनली जो बेस यूज किए जाते हैं दैट आर लिक्विड नेचर के होते हैं या फिर सेमी सॉलिड नेचर के होते हैं, एंड मेनली फॉर द इनसॉल्युबल ड्रग. ऐसी ड्रग जो बेस में इनसॉल्युबल होती है, पर इनसॉल्युबल ड्रग को यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया जाता है बेस में एंड देन उन्हें डिस्पेंस किया जाता है. ओके, एंड फ्यूजन मेथड इज यूज फॉर द बेस दैट आर सेमी सॉलिड और सॉलिड इन नेचर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैथड बेस, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड पैराफिन इज यूज, इट इज सेमी सॉलिड इन नेचर. एंड इन केस ऑफ फ्यूजन मैथड जनरली वी फ्यूजन मैथड बाद में डिटेल में करते हैं. ठीक है, लेट स्टार्ट विद द ट्रैचुरेशन मैथड. इन ट्रैचुरेशन मैथड फर्स्ट स्टेप इज द साइज रिडक्शन. सो बिफोर एडिंग टू द बेस जो ड्रग यूज की जाती है उनका साइज रिडक्शन किया जाता है. आफ्टर साइज रिडक्शन लेविगेशन मेथड इज परफॉर्म. इन लेविगेशन मेथड हम क्या करते हैं, जो भी ड्रग्स हैं उनको विद द हेल्प ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मिल्क के अंदर डाला जाता है फॉर यूनिफॉर्म साइज रिडक्शन के लिए. ठीक है, साइज रिडक्शन भी हो जाए एंड फाइनली जो मिल्क से निकलने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा सा पेस्ट फॉर्म में होता है. ठीक है, तो इन टैचुरेशन फर्स्ट स्टेप इज द साइज रिडक्शन, देन लेविगेशन. इन लेविगेशन वी एड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड देन मिल में डालते हैं एंड इट कन्वर्ट इनटू द पेस्ट. नाउ दिस पेस्ट, ये जो पेस्ट होता है ये क्या करते हैं, अब इसे बेस के साथ ऐड करते हैं. ठीक है, एक बार में ऐड नहीं करते हैं बेस के साथ, थोड़े थोड़े अमाउंट में ऐड करते हैं. ठीक है, इसमें एक साइड में एक फिगर है, दिखाई पड़ रहा है? यस मैम. ठीक है, तो जब लेविगेशन मेथड यूज करते हैं तो जो स्मॉल जो वाटर होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है, तो जो मिल से निकलने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो एकदम पेस्ट फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा जो ग्रैनुलर हो जाता है. ठीक है, थोड़े मोटे मोटे से ग्रैनुल फॉर्म के पार्टिकल्स फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, अगर आप देखोगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट बाई ट्रैचुरेशन मैथड देयर इज स्पेशली डिजाइन स्पैचुला यूज किए जाते हैं. यहाँ पे एक स्पैचुला दिखाई पड़ रहा है बेटा, सबको दिखाई पड़ रहा है? yes, तो यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे एक स्पैचुला है और जो पिंक कलर से शो कर रहा है वो आपकी इनसॉल्युबल ड्रग है एंड जो व्हाइट कलर से शो कर रहा है वो आपका लिक्विड पैराफिन लिक्विड और सेमी सॉलिड नेचर का बेस है. ठीक है, तो क्या करते हैं ट्रैचुरेशन मेथड में, फर्स्ट साइज रिडक्शन करते हैं. साइज रिडक्शन करने के बाद लेविगेशन मेथड परफॉर्म करते हैं. आफ्टर लेविगेशन मेथड जब यूनिफॉर्मली इनसॉल्युबल ड्रग का साइज रिडक्शन हो जाता है देन स्मॉल स्मॉल अमाउंट में जो ड्रग है उसमें बेस को ऐड किया जाता है. एक बार में ऐड नहीं करते हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट में जो ड्रग है इनसॉल्युबल ड्रग है उसमें बेस को धीरे धीरे अमाउंट में ऐड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पैचुला. फिर ड्रग के साथ बेस की मिक्सिंग की जाती है. ठीक है, ये प्रोसेस हम धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऐड करते हैं, इसमें इंक्रीज होता जाता है अमाउंट ऑइंटमेंट बेस का, और जब पूरी तरीके से ड्रग के साथ बेस पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, जब जो निकल के आता है रिजल्टिंग जो निकल के आता है उस प्रोडक्ट को फिर हम क्या करते हैं, मिल में डालते हैं. मिल में क्यों डालते हैं, फॉर द होमोजेनाइजेशन. ठीक है, तो जनरली जो मिल यूज की जाती है फॉर होमोजेनाइजेशन पर्पस इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल रोलर मिल.
आप लोगों ने एमबी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में पढ़ा था साइज रिडक्शन में रोलर मिल्स पढ़े हैं, ध्यान है किसी को? ध्यान है जिसमें तीन रोलर्स होते थे जो अपने अलग अलग स्पीड पे मूव करते थे, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे वही चीज यूज किया जा रहा है, जब पूरी तरीके से इनसोल्युबल ड्रग बेस के साथ मिक्स कर दी जाती है बाय द हेल्प ऑफ स्पैचुला, तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट निकल के आता है अब उसको मिल में डालते हैं, ठीक है? कौन सी मिल जनरली यूज की जाती है? ट्रिपल रोलर मिल, ठीक है? ट्रिपल रोलर मिल का यूज करके हम क्या करते हैं? होमोजेनाइजेशन परफॉर्म करते हैं। होमोजेनाइजेशन मीन्स जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा उसमें जो ड्रग होगी वो यूनिफॉर्म साइज की होगी और यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होगी बेस के साथ, ठीक है? क्योंकि अगर यूनिफॉर्मली बेस के साथ डिस्पर्स अगर ड्रग नहीं होगी तो प्रोडक्ट में इनसॉल्युबल स्टेबिलिटी का इशू आ सकता है, ठीक है? तो स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए होमोजेनाइजेशन स्टेप किया जाता है। इन होमोजेनाइजेशन क्या करते हैं? यूनिफॉर्मली साइज रिडक्शन करते हैं ताकि जो इनसॉल्युबल ड्रग है वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाए बेस में, ठीक है? मिल से निकलने के बाद जो प्रोडक्ट निकल के आता है देन उसकी हम फिलिंग करते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया टाइचुरेशन मेथड? मैम लेविगेशन में भी मिल में डालते हैं? हाँ बेटा, जैसे आपको अगर स्मॉल स्केल में ही करना है तो लेविगेशन मेथड परफॉर्म करने के लिए पैसे मोलतार यूज कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आपको लार्ज स्केल पे काम करना है इन दैट केस आपको मिल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? ओके मैम। चलिए, यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में टाइचुरेशन मेथड को डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट इज द साइज रिडक्शन, सेकंड स्टेप इज द लेविगेशन, थर्ड इज द मिक्सिंग विद द बेस, फोर्थ इज द स्पेचुलेशन और टाइचुरेशन। मीन्स जब बेस और ड्रग को एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ स्पेचुला आप मिक्स करते हैं दैट स्टेप इज कॉल्ड एज टाइचुरेशन और स्पेचुलेशन, ठीक है? आफ्टर मिक्सिंग टू प्रोड्यूस फाइनल बेड, जब पूरी तरीके से कम्प्लीटली मिक्सिंग हो जाती है देन होमोजेनाइजेशन परफॉर्म करते हैं एंड होमोजेनाइजेशन इज डन बाय यूजिंग द ट्रिपल रोलर मिल, ठीक है? आफ्टर दैट फिलिंग इज परफॉर्म, फिलिंग किस में करेंगे? कंटेनर्स में, ठीक है? सो सेकेंड मैथड इज द फ्यूजन मैथड। इन केस ऑफ फ्यूजन मैथड जनरली जो बेस यूज किए जाते हैं दैट आर सॉलिड इन नेचर, ठीक है? सॉलिड या सेमी सॉलिड नेचर्स के होते हैं। तो क्या होता है इस केस में, जनरली जो बेस यूज किए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल बी वैक, सिटाइल एल्कोहल, स्टराइल एल्कोहल, सो दीज आर द बेसिस दैट आर यूज इन द फ्यूजन मैथड, ठीक है? तो अगर आपको पेस्ट बनाना है फ्यूजन मैथड यूज करके तो जनरली जो बेस यूज किए जाते हैं दैट आर सॉलिड इन नेचर और सेमी सॉलिड इन नेचर, ठीक है? तो फ्यूजन मेथड्स में क्या करते हैं, जनरली यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट उन्हें मेल्ट किया जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट उन्हें अलग अलग रख दिया जाता है एंड फर्स्ट क्या करते हैं, जनरली फ्यूजन मेथड को कैरीड आउट करने के लिए बीकर्स लेते हैं जो ग्लास से बने होते हैं, ठीक है? उन बीकर्स में जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है उसे पहले लेते हैं, उसकी मेल्टिंग करते हैं, देन ग्रेजुअली हम ऐड करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? तो जो जिसका मेल्टिंग, जिस इंग्रेडिएंट का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा उसे हम सबसे पहले ग्लास जार में लेंगे, उसकी मेल्टिंग परफॉर्म करेंगे, देन आफ्टर ऐड करते करते जिसकी मेल्टिंग सबसे कम होगी इंग्रेडिएंट की उसको सबसे लास्ट में मेल्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम, ठीक है? तो मेल्टिंग परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, अगर आप ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस अगर आप जार को बहुत हाई हीट पे रखेंगे तो जो उसमें मतलब डिटोरिएशन हो सकता है, ठीक है? हाई हीट पे अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की हीटिंग परफॉर्म करते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं कई बार ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर वो खराब हो जाते हैं, ठीक है? तो क्या करते हैं, जब भी किसी भी ऐसे इंग्रेडिएंट की आप हीटिंग करते हैं तो उसे हाई हीट पे नहीं रखते हैं, मॉडरेट हीट पे रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत स्लो नहीं होती है, ठीक है? इतनी हीट दी जाती है कि उसकी मेल्टिंग प्रोसेस परफॉर्म हो पाए और उसके प्रोडक्ट या जो भी इंग्रेडिएंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ड्यू टू टेम्परेचर खराब ना हो, ठीक है? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट
इंग्रेडिएंट को मेल्ट किया जाता है और जो मेल्टिंग परफॉर्म की जाती है वो मॉडरेट टेम्परेचर पे परफॉर्म की जाती है। ठीक है, जब पूरी तरीके से सारे इंग्रेडिएंट मेल्ट हो जाते हैं देन उनको ड्यूरिंग मेल्टिंग उनकी स्टेरिंग करते रहते हैं, मिक्सिंग करते हैं, और जब पूरे इंग्रेडिएंट आपके मेल्ट हो जाते हैं सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करते हैं विद कंटिन्यूस स्टेरिंग। स्टेरिंग करने के बाद जैसे जैसे आप उसके स्टेरिंग करते जाएंगे उनमें कूलिंग होती जाएगी। ठीक है, कूलिंग जैसे जैसे होती जाएगी उसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज होती जाएगी एंड इट कन्वर्ट इनटू द होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ फ्यूजन मेथड? यस मैम। ठीक है, सो पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड, फर्स्ट इज द टैचुरेशन मेथड और इनकॉर्पोरेटेड मेथड, सेकेंड इज द फ्यूजन मेथड। ठीक है, इन केस ऑफ पेस्ट sometime water is used as solvent so there is a chance of microbial growth। ठीक है, तो microbial growth को prevent करने के लिए जो preservatives add किए जाते हैं mainly titanium dioxide को use किया जाता है in case of paste। ठीक है, for the storage it is stored in a airtight container to prevent the evaporation of moisture that is present in the paste। ठीक है, अगर पेस्ट के अंदर से मॉइस्चर निकल जाएगा तो आपका पेस्ट खराब हो जाएगा। तो पेस्ट को स्टोर करने के लिए जो कंटेनर्स यूज किए जाते हैं इट शुड बी एयर टाइट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पेस्ट। किसी को कहीं पे कोई डाउट है पेस्ट में? बेटा यहाँ पे आपका पेस्ट का टॉपिक खत्म हो गया है। किसी को कुछ पूछना है? चलिए स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जेलीज। सो जेलीज आर द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड दे आर। हाँ बेटा। मैम ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन आप करी थी बताएंगे? बेटा ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन हमने दो बता दी है, दो हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्रीम के साथ उसे डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अभी हम जेलीज को स्टार्ट कर रहे हैं। पेस्ट में जो मेथड्स यूज किए जाते हैं उन्हें मैंने डिस्क्राइब कर दिया। आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म दैट इज जेली। ठीक है, सो जेलीज आर द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड दे आर थिन और ट्रांसल्यूसेंट नॉन ग्रीसी प्रिपरेशंस एंड मेंट फॉर एक्सटर्नल एंड टॉपिकल यूज। ठीक है, सबने एलोवेरा जेल देखा है? जेल देखा है ना सबने? तो जेल कैसा होता है? जनरली आपको अगर कहीं टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए चाहिए होता है तो जेल को यूज करते हैं। और जो जेल्स होते हैं जैसे आप स्किन पे डाल लगाते हो विद इन अ मिनट वो एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी स्किन पे कुछ लगाया भी था। ऐसा होता है? यूज किया है आप लोगों ने जेल? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं जेल से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो जेल इज अ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड ट्रांसल्यूसेंट नॉन ग्रीसी प्रिपरेशन होती है एंड दैट इज मेंट फॉर द एक्सटर्नल एंड टॉपिकल यूज। ओके, जेल्स आर लेस ग्रीसी देन द जेल। बेटा यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो पिक्चर है ये जेल की है पर यहाँ पे जो डिटेल मैंने ऐड की है वो आपकी जेलीज की है। ठीक है, जेलीज के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने पिक्चर हटा दी है, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है बेटा, आवाज आई? यस मैम आ रही है। वो कंफ्यूजन हो गया है, मैं जेल और जेलीज सब थोड़ा मिक्सअप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जेलीज के बारे में बताना है, जेल के बारे में नहीं बताना है। ठीक है, तो जेलीज आर आल्सो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, दे आर थिन एंड ट्रांसल्यूसेंट नॉन ग्रीसी प्रिपरेशन एंड मेंट फॉर एक्सटर्नल एंड टॉपिकल यूज। दे आर लेस ग्रीसी देन द जेल्स। मेडिकेटेड जेलीज कंटेन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, द जेलिंग एजेंट्स यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स दैट इज ट्रेगागैन, सोडियम एलिजिनेट, पैक्टिन, स्टार्च, जिलेटिन। दीज एजेंट्स आर यूज्ड एज थिकनिंग एजेंट। ठीक है, तो जेल को थिक करने के लिए जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं दैट आर थिकनिंग एजेंट, फॉर एग्जाम्पल ट्रेगागैन, सोडियम एलिजिनेट, पैक्टिन, स्टार्च, जिलेटिन।
सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये जितने भी एजेंट्स हैं ये जेलीज में यूज किए जाते हैं एज अ थिकनिंग एजेंट, ठीक है। जेल्स, जेलीज आर यूजफुल फॉर द वॉटर सोलिबल ड्रग एंड नॉट यूजफुल फॉर द वॉटर इनसोलिबल ड्रग, ठीक है। क्योंकि इन केस ऑफ जेलीज जो ड्रग है वो इजली अगर वॉटर सोलिबल नहीं होगी तो वो ड्रग इनकॉपरेट नहीं हो पाएगी, ठीक है, और यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हो जाती, नहीं होती है इन केस ऑफ जेलीज, ठीक है। जेलीज आर इजी टू अप्लाई एंड आफ्टर एप्लीकेशन इवोपरेशन ऑफ वॉटर इज अकर and after evaporation of water cooling sensation is occur on the affected areas and after जब वो पूरी तरीके से स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है देन जो जेलीज हैं उनको आप इजली रिमूव कर सकते हैं बाई यूजिंग वॉटर, ठीक है। ठीक बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेलीज थिकनिंग एजेंट्स आर यूज्ड, ठीक है। थिकनिंग एजेंट इज ट्रांसफर्ड इनटू द एक्वा सॉल्यूशन इन विच ड्रग हैज बीन डिसॉल्व, एक वाटर सॉल्वेंट लिया जाता है उसमें ड्रग को डिसॉल्व किया जाता है। अब ये जो एक्वा सॉल्यूशन है इसमें थिकनिंग एजेंट को ऐड किया जाता है, जो थिकनिंग एजेंट यूज किए जाते हैं वो ड्रग के साथ सॉल्युबल हैं कि नहीं है डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्युबिलिटी जो थिकनिंग एजेंट्स हैं वो ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेलीज फर्स्ट क्या करते हैं, ड्रग को सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व करते हैं, देन एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म होता है, इस एक्वा सॉल्यूशन में थिकनिंग एजेंट को ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, ठीक है। जेलीज को बनाने के लिए मेनली पैसे मोलतार को यूज किया जाता है, ठीक। जेलीज कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ सेल्यूलोज डेरिवेटिव। अगर आप थिकनिंग एजेंट यूज कर रहे हैं और थिकनिंग एजेंट में सेल्यूलोज डेरिवेटिव को यूज करते हैं देन जो सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स होते हैं उनके पास वाटर होता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट वाटर वो कंटेन किए रहते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन दी जेलीज समटाइम देयर इज चांस ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए प्रिजर्वेटिव को ऐड किया जाता है, जो कॉमनली प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है इन केस ऑफ जेलीज इट इज मिथाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट एंड इट इज यूज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ 0.1 to 0.2%, ठीक है। सो सेकेंड, टू प्रिवेंट द क्विक लॉस ऑफ वाटर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल इज एडेड टू द जेलीज, ठीक है। जेलीज में क्या होता है, जैसे ही आप उसे टॉपिकल एरिया में अप्लाई करते हैं जो वाटर होता है वो क्विकली रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो अगर क्विकली रिमूव हो जाएगा तो जो मेडिकामेंट उसके अंदर ऐड की गई है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्विक लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए जेलीज में हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल को ऐड किया जाता है। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो वाटर को अपने साथ पकड़ के रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, सॉर्बिटॉल, सो दीज आर द हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स दैट आर एडेड टू द जेलीज टू प्रिवेंट द क्विक लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। For the storage of jellies, it should be stored in a well-closed container and kept in a cool place. ठीक है? For the sterile products that are used as a lubricant, collapsible tubes are used. ठीक है? जो collapsible tubes होती हैं वो metal की बनी होती हैं, ठीक है? इनको use किया जाता है अगर आपको jellies की कोई sterile product को मतलब dispense करना है तो in that case collapsible tubes are used. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी जेलीज। किसी को जेलीज में कोई पॉइंट पूछना है बेटा, कुछ पूछना है? आवाज आ रही है सबको? यस मैम, आवाज आ रही है। क्लियर हो गया जेलीज? यस मैम, क्लियर हो गया। अभी एक बार पढ़ेंगे मैम तो फिर।
चलिए तो मैं नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिटीज। ये जो डोजेस फॉर्म है या प्रिपेशन है ये आज के टाइम में यूज नहीं की जाती है, ठीक है। जनरली जो आपकी पॉलिटीज होती है या कैटाप्लाज्म होता है जनरली वेट में यूज किया जाता है, एनिमल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, एनिमल्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो पॉलिटीज आर द विस्कस सॉफ्ट वेट मासेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस दैट आर अप्लाइड टू द स्किन, ठीक है। दीज प्रिपरेशंस आर यूज फॉर रिलीफ फ्रॉम द पेन एंड रिड्यूस इंफ्लामेशन और एक्ट एज अ काउंटर इरिटेंट, ठीक है। काउंटर इरिटेंट एजेंट्स मीन्स होता है ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं, जहां पे भी आप उसे अप्लाई करोगे वहां पे वो स्लाइटली इरिटेशन कॉज करते हैं या इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन या इरिटेशन कॉज करने से क्या होता है, जो दर्द हो रहा है वो पता नहीं चलता है, ठीक है। मेनली जो काउंटर इरिटेंट्स एजेंट्स होते हैं वो मेनली यूज किए जाते हैं मसल पेन के लिए या बैक एक के केस में, ठीक है। तो जहाँ पे पेन होता है अगर आप काउंटर इरिटेंट एजेंट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा जलन होती है, तो जलन की वजह से आपको जो पेन हो रहा होता है वो आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ एजेंट आर कॉल्ड एज काउंटर इरिटेंट, ठीक है। सो पॉलिटीज आर यूज्ड फॉर रिलीफ फ्रॉम द पेन, रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड एक्ट एज अ काउंटर इरिटेंट, ठीक है। सो इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिटीज कंटेन हैवी क्यूलिन बिकॉज इट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ द हीट, ठीक है। हीट का पर्पस यही होता है, हीट से सिकाई का काम होता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये डोजेस फॉर्म अप्लाई की जाती है बाय यूजिंग हीट, वहाँ पे क्या होता है, जो पेन होता है उसे रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। जैसे कहा जाता है ना कि अगर कहीं दर्द हो रहा है वहाँ सिकाई कर लो तो आराम मिलता है, तो सेम थिंग यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जो आपकी पॉलिटीज होती हैं उनमें हैवी क्योलिन को यूज किया जाता है जो एक्ट करता है एज अ कैरियर ऑफ हीट, ठीक है। मेनली जो पॉलिटीज होती हैं इनको अप्लाइड किया जाता है अफेक्टेड पार्ट में, तो क्या करते हैं जिस भी अफेक्टेड पार्ट में जब हीट करना होता है या अप्लाई करना होता है वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे पहले जो भी पॉलिटीज होती है उन्हें हीट किया जाता है, ठीक है। हीट करने के लिए चाइना डिश यूज की जाती है और एक स्टेरिंग रॉड यूज की जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो पॉलिटीज होता है ये एक सॉफ्ट वेट मास होता है, तो बाय द हेल्प ऑफ चाइना डिश ये क्या करते हैं, चाइना डिश में आप रख दीजिए वेट मास को, फिर उसकी हीटिंग की जाती है, ठीक है। हीटिंग करने से क्या होगा, वो थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ा सा विस्कस फॉर्म में, ठीक है। तो जब उसको उतना ही हीट किया जाता है ताकि जब आप उसे अफेक्टेड एरिया में अप्लाई करो तो जहाँ पे भी अप्लाई करो स्किन उसकी हीट को टॉलरेट कर पाए, ठीक है। इतना हीट नहीं किया जाता, उसे बॉयल नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर बॉयल करेंगे तो जिस एरिया में आप करोगे वहां पे क्या हो जाएगी, जल जाएगी स्किन, ठीक है। तो जो पॉलिटीज होती है उनको इतना हीट किया जाता है जहां पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, टॉपिकली एप्लीकेशन होता है इसे, जहां पे भी स्किन पे अप्लाई करें वहां पे स्किन जले ना, ठीक है, वो और जो डोजेस फॉर्म में अपना वो काम कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलिटीज है इट इज अप्लाइड टू द अफेक्टेड पार्ट आफ्टर हीटिंग एंड फॉर दिस चाइना डिश विथ स्टेरिंग रॉड अंटिल द हीट इज टॉलरेटेड ऑन द बैक ऑफ द हैंड, ठीक है। द मेल्टेड पॉलिटीज इज स्प्रेड एज अ थिक फिल्म ऑन अ ड्रेसिंग मटेरियल एंड अप्लाइड एज अ हॉट एज अ पेशेंट एंड कैन वियर इट टू द अफेक्टेड एरिया, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो पॉलिटीज होती है उन्हें हीट किया जाता है, हीट करने के बाद जब उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी चेंज हो जाती है एंड उसकी हीटिंग उतनी की जाती है कि जहां पे भी आप उसे अप्लाई कर रहे हो वहां पे स्किन जले ना, ठीक है। तो उतना सफिशिएंट हीट हो जाने के बाद क्या होता है कि जो ड्रेसिंग है, जो भी जैसे आप ड्रेसिंग मटेरियल जो ले रहे हैं उसके ऊपर उसकी एक थिक पेस्ट लगाते हो, लगाने के बाद उसको उस अफेक्टेड एरिया पे लगा के छोड़ देते हो, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट दी पॉलिटिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपके तीन टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं, आपका एक टॉपिक बचा है सेमी सॉलिड में, दैट इज जेल, ठीक है।